सर्किट हाउस में केंद्रीय उपोषण बागवानी शोध संस्थान लखनऊ के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र राजन ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता किया, जिसमें डॉक्टर शैलेंद्र राजन ने बताया कि गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में केला किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फसल हो गई है, और परंतु विगत वर्षों से पनामा विल्ट नामक महामारी ने किसानों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने किसानों की सहायता से अयोध्या ज़िले में इस बीमारी पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही इसके अतिरिक्त बिहार में भी प्रयासों की अशातीत सफलता मिली है। मीडिया के माध्यम से केले की खेती से होने वाली समस्याओं तथा बचाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में केले की खेती की गई दिशा देने में CSIR लखनऊ सहयोग कर रहा है। इस मौके पर केंद्रीय उपोषण बागवानी शोध संस्थान लखनऊ के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र राजन, CSIR लखनऊ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर टी दामोदरन सहित CSIR के सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय उपोषण बागवानी शोध संस्थान लखनऊ के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र राजन ने कहा, ये फैन बंद कर देते। नमस्कार, मैं सभी आप सभी का स्वागत करता हूं, और मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र राजन, निदेशक केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है, उसका निदेशक हूं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर टी दामोदरन, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, एक केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान है, जो कि भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का ही भाग है। ये आज हम लोगों को विशेष रूप से यहाँ इसलिए आना पड़ा, आप लोगों ने भी, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि एक बीमारी है जिसको कि पनामा विल्ट कहते हैं केले में, उसका व्यापक रूप से यहाँ प्रकोप हो रहा है। पहले बहुत थोड़े क्षेत्र में थी और धीरे धीरे बढ़ती गई। पहले इसके बारे में ज़्यादातर किसानों ने जो शिकायतें की वो बिहार से की थी। कटिहार जिला जो है वहाँ करोड़ों का इसकी वजह से क्षति हुई है, इस रोग के कारण करोड़ों रुपए की क्षति हुई है। और लोग केले में, आप जैसा कि जानते हैं, 5 लाख प्रति एकड़ तक लाभ किसान ले लेता है, उसको छोड़कर दूसरी फसल को अपनाने का उनका मन नहीं करता। ऐसी स्थिति में किसानों ने करीब 50 किलोमीटर दूर जाके, जहाँ पे बीमारी नहीं है, वहाँ पर लीज में ज़मीन लेके इसकी खेती करनी प्रारंभ की। और इसका एक प्रभाव ये पड़ा कि किसानों को विस्थापित होना पड़ा केले की खेती के लिए दूसरे स्थानों पर, और साथ ही साथ कई लोगों को अपना व्यवसाय भी बदलना पड़ा। तो बिहार की जो समस्या थी वो केंद्रीय स्तर पर एक फ्लैग की गई, और सेक्रेटरी लेवल पे, मिनिस्टर लेवल पे, चूँकि पुराने हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो थे, कैबिनेट मिनिस्टर जो बिहार से ही थे, उन्होंने विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया। इसी बीच में आप जानते होंगे अयोध्या में सुहावल नामक क्षेत्र है, वहाँ पर भी इस बीमारी का प्रकोप देखा गया, और वो भी प्रकोप इतना ज़्यादा था कि उससे भी किसानों को बहुत हानि हुई, और उन्होंने केला हटाना शुरू कर दिया और दूसरी खेती करनी प्रारंभ कर दी। इन सब सूचनाओं के बाद इसका किसी तरह से भी निदान नहीं मिल रहा था, और साथ ही साथ लोगों को ये भी नहीं पता चल रहा था ये बीमारी है क्या। कोई इसको कॉलर रॉट कह रहा था, कोई दूसरे जो भी समझ में आ रहे थे, जितने भी कारण उनको बता रहे थे, और किसानों को भी लोगों ने ऐसे उपाय बताए जिनसे कि उनको, किसानों को पैसा तो खर्च करना पड़ा लेकिन उसकी सफलता कोई नहीं मिली, और उकटा रोग का निवारण नहीं हो पाया। उसके बाद डॉक्टर जयसिंह हैं, एक उनका आप शायद केला उत्पादक जो लोग हैं वो सभी नाम जानते हैं, वो एक ऐसे किसान हैं जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। उन्होंने इसराइल और सब जगह से सूचनाएँ प्राप्त करने के बाद कोशिश की, और जब किसी तरह से सफलता नहीं मिली तो डॉक्टर दामोदरन, चूँकि ये फ्यूजीरियम विल्ट की RACE 4 जो है उसमें तमिलनाडु में काम करते थे, कोयम्बटूर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से PhD कर रहे थे RACE 1 पर, तो इनको उन्होंने पूछा कि क्या इस निदान हो सकता है इस बीमारी से। उसके पश्चात डॉक्टर दामोदरन के भी पास कोई उपाय नहीं था, एक इनके पास एक प्रोडक्ट था जो CSIR Bio था, जिसको कि ऊसर वाली ज़मीन पर केले के उत्पादन के लिए ये लोग प्रयोग करते थे, लेकिन उससे कुछ आशातीत सफलता मिली तो इनके दिमाग में आया कि हम लोग अगर कुछ माइक्रोब्स के थ्रू ही इसको कंट्रोल कर सकें तो ये एक अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसको निरंतर प्रयोग 2 साल पे तक करने के बाद हम लोग को एक नया प्रोडक्ट मिला, उसका नाम रखा गया ICR FusiCount, मैं भी आपको लिख के भी दूंगा पूरा।
ICR फ्यूजीकॉन्ट में ये क्षमता थी कि उसने पूरे के पूरे उस क्षेत्र में सुहावल के क्षेत्र में जितने भी केले के क्षेत्र खेत थे उनको भी रोग मुक्त कर दिया। और अभी पिछले साल हम तो पिछले महीने हम लोग जब गए तो वहाँ पर देखा कि एक या दो पौधे ही वहाँ रोग वाले हैं और सारे के सारे केले जो है पुनः पुरानी स्थिति में आ गए हैं। जिन खेतों में कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पुनः केले की खेती होने लग गई है। इन सबको आपस में केले के जो किसान हैं उन्होंने इस सूचना को आपस में बांटा और इसको बांटने के बाद जानकारी एक दूसरे से फैली तो बिहार के किसानों ने भी आमंत्रित किया। साथ ही साथ माटी फाउंडेशन के हम लोग संपर्क में आए जिन्होंने हमको बताया मेहदावल के क्षेत्र में जो हमारा सब्जी वाला किला है रामभोग उसमें वो बुरी तरह से उससे त्रस्त है। और साथ ही साथ सिसवा बाजार अभी मैं ब्लॉक का नाम भूल गया सिकरारी क्या है खेसरा वहाँ हम लोग गए थे खेसरा वहाँ पर जी हाँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप दिख रहा है। और हर एक जो भी आपको केले के खेत दिखेंगे कोई ना कोई पौधे वहाँ पर इससे आक्रांतित हैं और उसका प्रभाव ये हुआ है कि धीरे धीरे वहाँ पर भी लोगों को इस फसल को छोड़ के दूसरी फसल में जाना पड़ रहा है। ये देखने में आया कि किसान केला लगाना चाहते हैं परंतु नहीं लगा पा रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर अपना ये कार्यक्रम बनाया और हम लोगों की ये जो टीम है आई है और बार बार लखनऊ से या दिल्ली से आके ये कार्य को करना संभव नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कम्युनिटी बेस या सामुदायिक ऐसे संस्थाएं बनाई जाएँ जो कि उस कार्य को कर सकें और साथ ही साथ हम उनको जो ICR फ्यूजीकॉन्ट है वो उसको प्रदान कर सके। तो इसके लिए हम लोगों ने आज रूपरेखा प्रदान तैयार की जो वहाँ के किसान हैं हमारे ग्राम प्रधान जी हैं उनके सहयोग से और माटी फाउंडेशन के सहयोग से हम इस कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता था कि ये ऐसी बीमारी है जो कि ऑस्ट्रेलिया ताइवान और फिलीपींस बहुत से देशों में हुई है और उन देशों में इसने केले की खेती को तहस नहस कर दिया है और यहाँ तक कहा जाता है कि केला संसार से समाप्त हो जाएगा यहाँ तक इतना घातक इसका प्रभाव माना जाता है। लेकिन ये जो ICR फ्यूजीकॉन्ट हम लोगों ने टेक्निक डेवलप की है इससे पूर्णतः हम लोग निदान करने में इसके सफल हुए हैं और उसी को हम लोग लेके आए हैं यहाँ पर ये किसानों के साथ करके बात की इसको। लेकिन इसमें सहयोग जो मिल रहा है हम लोगों को जो सामुदायिक संस्थाएं हैं लोकल उनके सहयोग से हम लोग इसको प्रयोग रूप से तो करेंगे ही साथ ही साथ किसानों को प्रदान करके उनके केले के खेत से इस बीमारी को हटाने के पूरे तरह से प्रयत्नशील रहेंगे। ये बायो प्रोडक्ट है ये उस तरह का बायो प्रोडक्ट नहीं है जिसमें और तरह के बायो प्रोडक्ट होते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए आप लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो ये हमारे सब किसानों ने बताया ट्राइकोडर्मा और सबका प्रयोग कर चुके हैं। कई लोगों ने तो 10 या 20 लाख रुपये भी खर्च किए हैं डिफरेंट बायो प्रोडक्ट और उनको करके। ये इतना खतरनाक फ्यूजेरियम का स्ट्रेन है जिसको कि सामान्यतः ट्राइकोडर्मा के जो स्ट्रेन है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर दामोदरन इसमें मेन तौर पे लगे रहे हैं काफ़ी 2 साल की रिसर्च के बाद एक हम लोग को स्ट्रेन मिला है उसका नाम है ट्राइकोडर्मा रेसी एक स्पीसीज है उसके द्वारा हमको सफलता मिली है और इसका फॉर्मूलेशन जो है उतना आसानी से बनता भी नहीं है। तो हम लोगों ने इसकी सारी संभावनाओं को देखते हुए एक अभी बड़ा फर्मेंटर भी स्थापित कर दिया है लखनऊ में। छोटा फर्मेंटर डॉक्टर साहब के लैब में था लेकिन एक बड़ा फर्मेंटर भी कर दिया है क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है करीब 50 टन की होगी अगर जिस तरह से बीमारी फैल रही है और अगर इसको प्राइवेट को दे दिया जाएगा तो वो 5 से 6 गुना दाम में बेचेंगे पैसा कमाएंगे। और चूँकि हम लोग ICR के हम लोग को पैसा कमाना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है और हम लोग कभी उसको 125 रुपये में दे रहे हैं प्रति किलो वो 600-800 किस्में देंगे तो इसलिए अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जब तक किसान इससे पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो जाते हैं तब तक हम अपने स्तर पर इसको दें।